अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे आपको पता है, गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, ठीक है। आप लोग अपने घरों में हैं, घरों में ही रहें, थोड़ा सा इन्जॉय भी करें, गर्मी से भी बचें, लेकिन साथ साथ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल की या आपकी करिकुलम से रिलेटेड, उसको भी आप लोग जारी रखें, ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आप इन्जॉय भी करें घर में रह के, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने फ़र्स्ट यूनिट आपको कम्प्लीट करवाया था, मैंने माशर तुलूम का यूनिट 1 था शहरियत, सही है। आपको उम्मीद अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो है सेकेंड यूनिट, तनवो और रवादारी, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है तनवो और टॉलरेंस का मतलब होता है रवादारी। तो जो तनवो होता है ना, वो निकला है चेंज से, यानी कि कोई भी चीज़ चेंज होती है ना, जो डिफरेंट होती है, उसको हम कहते हैं कि यह मुख्तलिफ होती है किसी दूसरे से, वो चीज़ आपकी तनवो कहलाती है। और दूसरा आपका होता है रवादारी। रवादारी का मतलब होता है टॉलरेंस, यानी कि आपके अंदर सब्र, बर्दाश्त, ठीक है, रवैयों को बर्दाश्त करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी रवादारी में शामिल हैं, जिसकी हमारे इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, ठीक है। मैं आपको अभी रीडिंग की तरफ लेके चलूँगी। सबसे पहले हम बुक की रीडिंग करेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि तनव्वो क्या होता है या रवादारी क्या होती है, और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अमन के बारे में, तनाज़ा के बारे में, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं एक माशरे में रहते हुए, कैसे आपस में मस्बत सोच एक दूसरे से प्रमोट करते हैं ताकि माशरे में खुशहाली आए, या तनवो से कैसे माशरे में खुशहाली आती है, रवादारी से कैसे माशरे में खुशहाली आती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो रीड करेंगे। हम इसका बुक बुक देखेंगे, इसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर मैं आपको एंड पे कुछ पॉइंट्स बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो चलिए हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट यूनिट है तनव्वो और रवादारी, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम इसके स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के बारे में देखेंगे, हासिलाते तालुम जिसको बोलते हैं, यानी कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ ली है तो आपको क्या हासिल हुआ उससे, और इस सबक की तकमील के बाद, यानी कि इसको कम्प्लीट करने के बाद, इस तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें और इनसे मुतल्लिक क्वेश्चंस के बारे में जवाब दे सकें। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तनव्वो, डाइवर्सिटी, उसकी तारीफ कर सकें, मुआशरे में मुख्तलिफ ग्रोहों की अहम खसूसियात की निशानदेही कर सकें, मुआशरे की खुशहाली में तनव्वो का किरदार वाजिया करें कि मुआशरे में अगर तनव्वो है तो वो किस तरह मुआशरा खुशहाल होता है, उसकी रीज़न क्या है, तनव्वो में ऐसा क्या चीज़ होती है। रवादारी की तारीफ कर सकें, मुआशरती और सकाफती फ़र्क कबूल करते हुए एक दूसरे के साथ हम आहंगी से रहने की अहमियत की वजाहत कर सकें, घर और महल्ले की सतह पर ज़ाती और ग्रोही इख्तलाफ राय की वजूहात की शनाख्त कर सकें, अमन और तनाज़ा की इस्तलाहात की तारीफ़ कर सकें, रवैयों के फ़र्क से तनाज़ा पैदा होता है और अमन मुतासर होता है उसकी वजाहत करें, यानी कि अगर आपके रवैये में नेगेटिविटी ज़्यादा है, मनफियत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि उस जगह पे आपका तनाज़ा भी ज़्यादा हो जाएगा, आप में इख्तलाफ भी ज़्यादा हो जाएगा और आपका अमन भी मुतासर हो जाएगा। बातचीत के ज़रिए से तनाज़ात को हल कर सकेंगे, तमदनी शऊर यानी कि सिविक सेंस जिसको बोलते हैं, उसको मिसालों के ज़रिए से वाजिया करेंगे, मसलन कि एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से हमें एक सिविक सेंस हमें पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी हैं, उसमें ट्रैफिक रूल्स आते हैं आपके, ठीक है, अमूमी आदाब आते हैं आपके, बड़ों का एहतराम, इज़्ज़त, माहौल की सफाई, नज़्म व ज़ब्त, ये सब कुछ जो है ना ये आपके अमूमी आदाब में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसकी यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। मतलब इसमें वो, अब ये डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में जब हम बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब और ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में मुसलमान भी हैं जो कि मेजॉरिटी में हैं, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी हैं, पाकिस्तान में सिख भी हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इनका ज़ुबान, इनका मज़हब, इनकी रंग, इनका नस्ल, सब कुछ एक दूसरे से फ़र्क है। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वहाँ पर सिर्फ उस कंट्रीज़ के शहरियों के अलावा दूसरे लोग भी रहते हैं। ये लोग मुश्तरका खसूसियात के बिना पर मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब उनमें कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो कि एक जैसी होती हैं, जिसकी वजह से वो मिलकर वहाँ की जो है ना वो ज़िंदगी गुजार देते हैं वहाँ पे। मिसाल के तौर पे जो बड़े मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है ये सारी लोग इस तरह के रहते हैं कि वो डिफरेंट रंग, नस्ल और उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रह वो इकट्ठे रहे हैं। उनमें कौन कौन से हैं? अमेरिका,
कनाडा और स्पेन, नाइजीरिया, ये वो कंट्री, और सिंगापुर, ये वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो है ना इन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो कि इलाके के लिहाज से भी फ़र्क हैं, ज़ुबान के लिहाज से भी, सकाफत के लिहाज से भी, लेकिन ये मिलजुल कर रह रहे हैं। ऐसे ममालिक में जहाँ मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पर फिर उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन यह है कि वहाँ पर वो माशरा खुशहाल भी होता है। कैसे होता है वो हम इसके आगे से पढ़ते हैं। सोचें और जवाब दें, थिंक एंड आंसर, ठीक है। क्या आप दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो आप क्या, आपने इसको अपने मुताबिक आंसर करना है कि क्या आप मिलजुल कर रहते हैं, और अगर आप मिलजुल कर रहते हैं तो इसके कोई से दो फ़ायदे लिखें। तो आप कहेंगे कि जी हाँ, हम दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्लास में भी तो दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं ना। इसके दो फ़ायदे क्या होते हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं, मुश्किल वक्त में दूसरे के काम आते हैं, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब उन्होंने एक पूरी आपको इसमें ना मिसाल से बताया हुआ है कि किस तरीके से मुख्तलिफ लोग जब मिलकर रहते हैं तो एक तनव्वो का मंज़र बनता है, यानी कि वो लोग रह इकट्ठे रहे होते हैं लेकिन उनकी हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। हसन इस्लामाबाद में रहता है, इसके अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं। हसन के ख़ानदान की तरह और भी बहुत से ख़ानदान यहाँ रहते हैं। शाम को सबके बच्चे पार्क में जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। माइकल, अंजलि, हरजीत सिंह और यूनान से एक हसन की गहरी दोस्ती है। ईद के मौका पर सब इसे मुबारकबाद देते हैं। अब हसन भी इन सब इनके त्यौहारों पर, क्रिसमस में, दिवाली में, बैसाखी में और स्प्रिंग फेस्टिवल में सबके घर पर जाता है और एक दूसरे की खुशियों से का ख्याल भी रखते हैं, एक दूसरे के काम भी आते हैं। इस्लामाबाद की तरह दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शहर और जगह हैं जहाँ मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब और ज़ुबान और अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ में रहते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया कि हसन एक गांव में पार्क में जाता है शाम को, तो वहाँ पे उसके साथ मुख्तलिफ बच्चे आ रहे हैं जिनमें माइकल भी है, अंजलि भी है, हरजीत सिंह भी है, ठीक है। अब इन सब के त्यौहार जो है ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये सब बच्चे हसन को भी उसकी ईद पर ईद मुबारक कहते हैं और इसी तरह हसन जो है वो भी उनकी हर अकीदे का एहतराम करते हुए उनको भी उनके क्रिसमस पर, उनकी दिवाली पर, उनकी बैसाखी पर, उनके स्प्रिंग फेस्टिवल जो भी होते हैं वो उनको सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ और उनको अच्छे तरीके से जो है ना वो मनाते हैं और एक दूसरे का वो ख्याल भी रखते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मुख्तलिफ रंग, नस्ल और ज़ुबान और अकीदे के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। माशरे में रहने वाले लोग अलग अलग सलाहियतों और खूबियों के मालिक होते हैं। मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हों तो काम कम वक्त और आला दर्जे में तश्कील पाता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फ़िज़ा कायम होती है। अब ये सारा क्या था, ये एक तनव्वो के बारे में हमने पढ़ा, इसको हम कहेंगे कि ये एक तनव्वो का मंज़र था कि जहाँ पर एक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास है, आपकी क्लास में रहते हुए आपके साथ अगर डिफरेंट बच्चे बैठे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा मुस्लिम है, एक बच्चा क्रिश्चियन है, एक बच्चा अंग्रेज़ है, एक बच्चा जो है वो हिंदू है, तो ये क्या है कि ये सब मिलकर जो है ना ये इनके मुख्तलिफ अकीदे हैं, इनकी मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन एक दूसरे को जब वो समझेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे तो उस माशरे में खुशहाली पैदा होगी। और तनव्वो का एक और फ़ायदा क्या है कि जब जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि जब एक जगह पे मुख्तलिफ सलाहियतों के लोग बैठे हुए होंगे और उनमें वो मुख्तलिफ खूबियों के मालिक होंगे, एक बच्चे में क्या खूबी ज़्यादा अच्छी होगी, दूसरे में क्या सलाहियत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उस जगह पर काम जो है वो कम वक्त में और आला दर्जे में अच्छा तश्कील पाया जाएगा, यानी कि बड़े अच्छे तरीके से वो काम वहाँ पर होगा। टाइम भी कम लगेगा क्योंकि मुख्तलिफ माइंड्स बैठे हुए होंगे, मुख्तलिफ किस्म के रंग, नस्ल, अकीदे के बच्चे होंगे, वो उसको मुख्तलिफ तरीके से करेंगे और टाइम भी कम लगेगा और काम भी अच्छे तरीके से होगा, तो फिर क्या होगा कि उस जगह पे वो जगह या वो इलाका या वो मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा और उसमें अमन की फ़िज़ा भी कायम होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये तनव्वो वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है अमन और तनाज़ा, यानी कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अमन का मतलब होता है सुलह सफाई, आपस में मिलजुल कर रहने का है, ठीक है। अमन से माशरे में एतमाद, एहतराम और सुकून की फ़िज़ा कायम होती है। जब एक माशरे में अमन होगा, पीस होगा, प्यार मोहब्बत होगा, तभी वो माशरे में सुकून भी होगा और एक दूसरे के रिस्पेक्ट भी होगी। हर माशरे में चूँकि मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ़ भी पैदा हो जाता है। लोगों में असूलों और मफादात के इख्तलाफ़ के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तलाफ़ को तनाज़ा कहते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी सूरत में तनाज़े की शक्ल के किसी भी सूरत में ये जो आपका एक इख्तलाफ है ना वो तनाज़ा की शक्ल इख्तियार ना करे। हर किस्म के इख्तलाफ को अमन सुकून और बातचीत से दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना ये एक छोटी सी जो डेफिनेशन है ना वो अमन और तनाज़ा के साथ साथ आपकी रवादारी की भी आ गई है। जैसे कि यहाँ पर इसके इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखें कि माशरे में मुख्तलिफ अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम करना रवादारी कहलाता है।
इसी तरह ऊपर ये तनवो की भी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना डाइवर्सिटी या तनवो कहलाता है। तो वो नीचे आपको ये एक्सप्लेन करता है कि जब आप एक मुआशरे में रह रहे होते हैं तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं, हर एक का बैकग्राउंड जो है, पस मंज़र कहते हैं बैकग्राउंड, वो किसी कोई किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रख रहा है, कोई किस से ताल्लुक़ रख रहा है, तो जिसकी वजह से कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ़ भी आपको पैदा हो जाता है, आपको दूसरे की बात नहीं पसंद आ रही होती है कि और दूसरे को आपकी बात नहीं पसंद आ रही होती है, तो इसके ये जो है ना, इसको हम कहते हैं कि ये तनाज़ा पैदा हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम कब होती है कि जब वो छोटा सा इख्तलाफ जो है ना वो किसी बड़े लड़ाई झगड़े की सूरत अख्तियार करके एक तनाज़ा की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आपने इस चीज़ से बचना है कि वो जो इख्तलाफ पैदा हुआ है वो तनाज़ा की शक्ल इख्तियार ना करे। ठीक है, और वो किस तरह बचा जा सकता है, उसके लिए होता है कि अमन व सुकून से बातचीत कर ली जाए, बैठें आपस में उसको डिस्कस कर लें और उस मसले का वहाँ पर ही उसका हल निकाल लें। ठीक है, और सबसे बढ़कर तो आप रवादारी का मुजाहरा करें कि मुआशरे में जो कि मुख्तलिफ अकीदों के लोग रहते हैं तो आप क्या करें कि दूसरों के रवैयों का एहतराम करें, दूसरों के जज्बात का एहतराम करें, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बनेगा, वो इख्तलाफ पैदा भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें एक छोटी सी एक्टिविटी नीचे है कि तलबा को तनवो का तसव्वुर मिसालों के ज़रिए से समझाएं और बताएं कि किस तरह एक मुआशरे में मुख्तलिफ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, रवादारी के साथ एक दूसरे को समझते हैं, कबूल करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, इससे मुआशरा एक वजूद में, एक अमन मुआशरे में वजूद में आता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी क्लास में अगर मुख्तलिफ किस्म के बच्चे बैठे हुए हैं तो वो कैसे एक दूसरे की बात को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त भी करेंगे, तो फिर ही मुआशरा जो है वहाँ पर जो है वो खुशहाली भी आएगी और तरक्की भी करेगा। ठीक है, दूसरों के बारे में हमारी सोच और ख्यालात हमारे रवैयों को तश्कील देते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि रवादारी के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे वो और अमन के बारे में भी। वो कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में हमारी सोच होती है ना, वही हमारा रवैया बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक शख्स के बारे में सोच ही मनफी रखी हुई है, मैंने उसके बारे में नेगेटिव सोच रखी हुई है कि ये तो है ही ऐसा, तो मेरा रवैया खुद कुदरत की तरफ से ऑटोमेटिकली जो है वो उसके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे रवैये इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के बारे में मनफी रवैया रखते हैं तो हम इसे हमेशा गलत ही समझते हैं। ठीक है, हमारे इस रवैये से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। मस्बत रवैया दूसरों के लिए मस्बत राय और अच्छी सोच रखने में मदद करता है, लेकिन अगर हम किसी के बारे में पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे, उसके बारे में हम मस्बत रवैया रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो हमारा रवैया भी उसके साथ वैसा हो जाएगा और वो मुआशरे में भी एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी। हम अपने रवैयों में बेहतरी लाकर तमाम तनाज़ात और मामलात हल कर सकते हैं, ख्वाह वो घरेलू सतह पर हों, मोहल्ले की सतह पर हों। हम किसी से कोई भी लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं, हम में से कोई भी लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता। ठीक है, उसमें क्या है कि ज़्यादातर तनाज़ात से बचने की कोशिश करते हैं ताकि अमन से रह सकें। तनाज़ात लंबे अरसे तक मौजूद रहें तो कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब सबसे छोटा क्या था, एक छोटी सी बात पे इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ जब बिगड़ गया तो वो तनाज़ा बना, तनाज़ा ने जब ज़्यादा टाइम लिया तो वो लड़ाई झगड़ा बना, और लड़ाई झगड़े की वजह से आपके मुआशरे का अमन ख़राब हुआ। हमें चाहिए कि हम आपस के तनाज़ात को ख़त्म करके अमन व अमान से रहें, इख्तलाफात को दूर करके मस्बत रवैये रखें, हम अच्छे इंसान और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। इख्तलाफात दूर करने का बेहतरीन हल बातचीत है। अब उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो बेहतरीन हल है, अगर आपका किसी से कोई इख्तलाफ हो गया है या आपका किसी आपकी उससे राय नहीं मिल रही है, तो आप उसको बैठकर बातचीत से हल कर लें। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि सबकी राय का एहतराम करें, जो बंदा जो कह रहा है उसकी राय को सुने और उसके बाद फिर डिसीजन लें। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इन तरीकों से हम तनाज़ात को ख़त्म कर सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? नंबर वन, बात करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बातचीत से मसाइल का हल कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपस में बात कर लें। हम अपनी सोच और एहसास को मुनासिब अल्फाज में बयान करके बातचीत का आगाज़ करते हैं। और ये नहीं है कि अब आपने बात स्टार्ट किया तो आप एकदम हाइपर हो जाएं। आपने क्या करना है कि मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और आपने उसको धीमे तरीके से लेकर चलना है और बात का आगाज़ करना है। सबसे पहले दूसरे शख्स की बात तवज्जो से सुने और इसे मुकम्मल करने का मौका दें, फिर अपनी बात करें। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो जिससे आपको इख्तलाफ हुआ है पहले आप उसको बोलने दें कि अच्छा आप बताओ कि आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम हुई है या आपको मेरे से क्या और किस बात पे इख्तलाफ हुआ है। जब वो बात मुकम्मल कर ले तो फिर आप अपनी बात बयान करें, ना कि बीच में गुस्से में उसको इंटरप्ट करके अपनी बात शुरू कर लें। दूसरों की बात को समझना सीखें, इससे मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर तनाज़ा ख़त्म ना हो सके तो किसी तीसरे फ़र्द को सालिस बनाकर फ़ैसला करवाएं
और सालिस का फैसला खुश दिली से कबूल कर लें। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हम दो बंदे बात कर रहे हैं और फिर भी हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप क्या करें कि किसी तीसरे को बीच में ले आएँ जो कि विदाउट बाइसनेस, यानी कि वो एक न्यूट्रल पर्सन हो, ना वो उसके साथ हो ना वो आपके साथ हो, वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सुने और फिर वो हल करे, और फिर वो जो फैसला सुनाए आपने उसको अच्छे दिल से और खुश दिली से कबूल भी करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये इस पूरे टॉपिक की समझ आई होगी कि मुआशरे में जब एक तनव्वो भी होता है, लोग मुख्तलिफ अकीदों रंग नस्ल से रहते हैं, तो इख्तलाफ भी पैदा होता है और लेकिन उनको सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, एक उन्होंने कहा कि होल्ड ऑन एंड प्लीज़ रुकें और बताएं कि तनाज़े को किस तरह हल किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया बातचीत करके। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक है नेक्स्ट है सिविक सेंस, जिसको हम बोलते हैं तमदनी शऊर। ठीक है, उसमें क्या है कि अमन से रहना एक अच्छे शहरी की खसूसियात में शामिल है। एक अच्छा शहरी कौन सा होता है? जो कि अमन से और सुकून और इत्मीनान से रहता है। इसके साथ एक अच्छे शहरी के तमदनी शऊर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी मुआशरे में रहते हुए जब लोगों में आदाब व अखलाकियात का शऊर पैदा हो जाए तो वो तमदनी शऊर कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी जगह में रह रहे हैं, किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ पे रहते हुए अगर हमारे अंदर आदाब और इखलाकियात का शऊर पैदा हो जाता है ना, हमारे एथिक्स डेवलप हो जाते हैं अच्छे, तो वो हमारा एक सिविक सेंस कहलाती है, तमदनी शऊर कहलाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तमदनी शऊर के आदाब, यानी कि अब इसमें एथिक्स ऑफ सिविक सेंस वो कौन कौन से हैं? घर महल्ले और शहर की सफाई का ख्याल रखना और माहौल को बेहतर बनाना, यह आपका एक सिविक सेंस है, आपकी एक तमदनी शऊर है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना, सेहत और सफाई का ख्याल रखना। ठीक है, आप यहाँ पे देखें बॉक्स में लिखा हुआ है, ज़रा रुकें और देखें कि आप खुद को और माहौल को साफ रखने के लिए क्या करते हैं। तो आप क्या करते हैं बताएं, आपने इसके मुताबिक टीचर को आंसर करेंगे आप लोग, या खुद से आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, आपकी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा कि हम माहौल को इस तरह साफ रखते हैं कि हम ब्रेक में जो भी खाना लंच करते हैं फिर हम उसको बास्केट में डालते हैं या डस्टबिन में, उसको इस तरीके से हम अपने माहौल की सफाई रख करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वॉश, ये एक आपका एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स है छोटा सा, जिसको बोला जाता है WASH। ठीक है, इससे बनता क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, का मुखफ्फ है, ये एब्रिवेशन जो है ना ये इनवर्ड्स की है। ये एक आलमी प्रोग्राम है जो सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ हंगामी सूरत हाल और जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए भी काम करता है। ये जो अदारा है ना WASH आपका, ये क्या करता है कि ये ना सिर्फ आपके सेहत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करता है बल्कि जो जानलेवा बीमारियाँ होती हैं उनको भी, उनकी भी रोकथाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। इस प्रोग्राम की बुनियादी जो मकासद हैं, यानी कि जो पर्पज़ हैं, जो मकसद हैं, वो कौन से हैं? पीने के लिए पानी, साफ़ पानी की फ्राहमी करता है, जिस्मानी सफाई सुथराई, ठीक है, रफ़ाए हाजत की अहमियत से वाकफियत करवाता है, हफ्जाने सेहत के असूल, साबुन से हाथ धोने पर अमल को यकीनी बनाना। यानी कि ये इन तीन मकसद जो है ना इसके, जिस पर ये फॉलो करवाता है लोगों को भी, कि पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड किया जाता है, आपके जो जिस्म की सफाई है या आपने जो अपने आप को साफ़ रखना है उसके बारे में, उसके बाद यह है कि जो सेहत के असूल होते हैं जिस तरह खाना खाने से पहले हाथ धोना, साबुन का यूज़ करना, ठीक है, अच्छे तरीके से हाथ धो के अपना काम स्टार्ट करें, वो ये सब इनके बारे में जो है ना ये आगाही देता है। लास्ट टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर का वो है अमूमी आदाब। अमूमी आदाब कहते हैं कॉमन एटिकेट्स को, ठीक है, जो आम आदाब होते हैं जो कि हर पर्सन में होने चाहिए, एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से भी और एक अच्छा बच्चा होने की हैसियत से भी, एक अच्छा फ़र्द होने की हैसियत से भी। जिस तरह ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करना और माहौल को साफ रखना एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों में शामिल है, इसी तरह चंद अमूमी आदाब हैं जो किसी भी फ़र्द को अच्छा शहरी बनाने में मददगार साबित होते हैं। वो चंद आदाब कौन से हैं? वो ये लिखे हुए हैं। नंबर वन, नरम लहजे में बात करना। आप दूसरों के साथ हमेशा पोलाइट रह के बात करें, नरम लहजे में बात करेंगे तो ना तो आपका कोई इख्तलाफ होगा, ना कोई तनाज़ा होगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा। किसी को बुरा भला ना कहना, यानी कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को बुरा भला कहें, ठीक है, अपनी गलती तस्लीम कर लें, अपनी आपसे गलती हुई आप उसको एडमिट कर लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, और बोलने से पहले सोचना, कुछ भी आपने बोलना तो आप उससे पहले सोचें। सबके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना, दूसरों की मदद करना, वक्त की पाबंदी करना, अवामी मकामात पर कितार बनाना। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर गए हैं और आपने किसी लाइन में लगे हुए हैं किसी काम के लिए, तो आप लाजमी कितार बनाएं अपनी, इस तरीके से डिसिप्लिन भी रहेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। जो आपको आपके क्लास रूम्स में भी सिखाया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अगर कैंटीन पर भी जाना होता है, स्कूल में भी आप सीखते हैं तो कैंटीन में लाइन बना के खड़े हुए हैं, एक बच्चा चीज़ ले लेगा तो फिर दूसरा आए, फिर नेक्स्ट आए, ठीक है, इस तरीके से
आप कितार बनाने को पर अमल करें, अपना काम वक्त, अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करें, अजनबी लोगों से मोहतात होकर बातचीत करें। अजनबी लोग कौन होते हैं, जिनके जिनको जो स्ट्रेंज पर्सनस होते हैं या जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे जब आपने बात करनी है तो आप थोड़े से केयरफुल हो जाएं, ठीक है। लेट्स डू समथिंग न्यू। एक पॉइंट है वो जो आप सब डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने कोरोना वबा के दौरान में अच्छे शहरी होने का सबूत कैसे दिया, इसके बारे में अपने साथी तलबा को बताएं। आप लोग आपस में डिस्कस करें कि जब कोविड था, बहुत ज़्यादा आप लोग घरों में थे, आपकी छुट्टियां थी, तो आपने तब एक अच्छा शहरी होने का सबूत कैसे दिया था। उसके बाद अब ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने सीखे यूनिट को कम्प्लीट करने के बाद। एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनवो कहलाता है। यह तनवो की डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। मुआशरे में मुख्तलिफ अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम रवादारी कहलाता है। हम आहंगी से एक सेहतमंद मुआशरा कायम होता है। बातचीत के तरीके से हम तनाज़ात को ख़त्म कर सकते हैं। ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी, दूसरों की मदद, माहौल की सफाई, नज़्म व ज़ब्त अच्छे शहरियों के आदाब में शामिल है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये यूनिट ख़त्म हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी, दूसरों की मदद, माहौल की सफाई और नज़्म व ज़ब्त अच्छे शहरियों के आदाब में शामिल है। तो ये सारा जो हमने लास्ट पर टॉपिक पढ़ा था कि आपके सिविक सेंस के बारे में, तमदनी शऊर के बारे में, अमूमी आदाब के बारे में, तो ये सारा जो था ना ये आपने इसके अंदर पढ़ लिया। मतलब आपने पढ़ने के बाद आप इन सब चीज़ों को आप जान चुके हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। व्हाट वर्क फॉर मी टू डू, मेरे करने के काम। दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमन और तनाज़ा की तारीफ़ करें। आपकी बुक पे भी लिखा गया है, आपको एक्सप्लेन भी किया गया है। अमन, अमन के मानी सुकून और आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, तनाज़ा, एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ़ करना तनाज़ा कहलाता है। आपने बुक की रीडिंग में भी इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है अमन, सुलह सफाई से सुकून से रहना। तनाज़ा एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ हो जाता है तो तनाज़ा बन जाता है। तनाज़ात हल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। हर किस्म के इख्तलाफ को अमन व सुकून और बातचीत से हल कर सकते हैं ताकि तनाज़ात से बचा जा सके। वही बात है कि तनाज़ात हल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, बातचीत। और बातचीत भी कैसे करनी है, अमन व सुकून के साथ करनी है, रिलैक्स होकर करनी है, नरम लहजे में करनी है, ठीक है। उसके बाद है आपका है कि दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। उसमें आपके टू क्वेश्चंस हैं, उनमें आपका क्वेश्चन नंबर वन है कि तनवो की तारीफ़ करें और बताएं कि तनवो किस तरह मुआशरे की खुशहाली में मददगार साबित होता है। आपको मैंने यूनिट में एक्सप्लेन किया, इसकी रीडिंग में फ़र्स्ट टॉपिक ये था आपका कि वो जो एहसन के बारे में था कि वो उसके फ्रेंड्स आपस में कैसे रहते हैं और सारा। तो सबसे पहले हम तनवो की तारीफ़ देखते हैं कि लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनवो कहलाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ तनवो, ये तनवो की सारी तारीफ़ है, ठीक है। अब वो कहते हैं अगला पार्ट है कि तनवो किस तरह मुआशरे की खुशहाली में मददगार साबित होता है, आपने ये बताना है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ज़ाहिर है जब एक जगह पे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ ज़हन के लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो अपनी अपनी खूबियों के मालिक होंगे, तो वहाँ पे काम बहुत अच्छे दर्जे पे और कम वक्त में तश्कील पाएगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि जहाँ मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और अकीदे के लोग रहते हैं और अलग अलग खूबियों के मालिक होते हैं तो काम कम वक्त और आला दर्जे में तश्कील पाता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है और मुआशरे की खुशहाली में भी इजाफा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें कि रवादारी की तारीफ़ करें और बताएं कि मुआशरे में रवादारी कैसे पैदा होती है। अब आपने रवादारी की डेफिनेशन बतानी है, जैसे कि आपको एक्सप्लेन की गई है कि मुख्तलिफ अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम करना रवादारी कहलाता है। और मुआशरे में रवादारी कैसे पैदा होती है, सब्र और तहम्मुल से, बर्दाश्त से। तो मुआशरे में मुख्तलिफ अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम करना रवादारी कहलाता है। हर मुआशरे में चूंकि मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी हो जाता है। ऐसे मामलात में एक दूसरे की बात को नज़रअंदाज करके सब्र से काम लिया जाए तो रवादारी की फ़िज़ा कायम हो सकती है, ठीक है। ये था आपका, ये क्वेश्चंस आंसर थे, ये शॉर्ट ये टू थे। इसमें एक शॉर्ट आपका क्रिएटिव है, जैसे कि कोई से ऐसे तीन आदाब लिखें जिन पर आप अमल करते हैं। मतलब आपने कोई से भी तीन आदाब लिख देने हैं, उमूमी आदाब जिन पर आप अमल करते हैं जो कि आपने पढ़े हैं। क्या आप बड़ों का एहतराम करते हैं, क्या आप दूसरों की मदद करते हैं, क्या आप आवामी मकामात पर कितार बनाते हैं, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखें, जो मैंने आपको दोनों अभी एक्सप्लेन कर दिए, तनवो और रवादारी के बारे में थे।
उसके बाद सवाल नंबर 3 लिखें कि अपने घर, स्कूल या मोहल्ले में पेश आने वाला कोई ऐसा वाक्या लिखें जिसमें आपने किसी बात से इख्तलाफ किया हो और इख्तलाफ की वजह भी लिखें। दिस इज़ क्रिएटिव तख्लीकी क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सोचें कि आपके घर में या कोई ऐसा वाकया या मोहल्ले में तो नहीं पेश आया कि जिसकी वजह से आपको किसी दूसरे बंदे से इख्तलाफ हो गया हो, और फिर उसकी रीज़न भी लिखें कि आपको क्यों इख्तलाफ हुआ था, आपको क्या बात उसकी नहीं अच्छी लगी थी। अपने इलाके या शहर के किसी अच्छे शहरी का इंतखाब करें और इसकी चंद नुमाया खसूसियात लिखें, और दी हुई तस्वीर में बच्चा किस बुनियादी हक़ से महरूम है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चा जो है वो लेबर चाइल्ड है, यानी कि वो काम करता आपको नज़र आ रहा है, तो वो तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम है, वो तालीम हासिल नहीं कर सक रहा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें मश्क की तरफ चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज की तरफ, कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और टिक का निशान लगाएं। हर इंसान का पहला बुनियादी हक़ है बराबरी का। डिजिटल शहरी का दूसरा नाम है साइबर शहरी। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना क्या कहलाता है? तनव्वो। लोगों में आदाब व अखलाकियात का शऊर कहलाता है तमदनी शऊर। नरम लहजे में बात करना शामिल है आदाब में। ठीक है, दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। डिजिटल साइबर शहरी की ऑनलाइन सरगर्मियाँ ना सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी मुतासर करती हैं, तो ये टिक है। अभी हमने पढ़ा कि डिजिटल शहरी जब ऑनलाइन सरगर्मी कर रहा होता है तो वो सिर्फ उससे वो नहीं बल्कि अगर वो किसी दूसरे के भी उसमें इन्वॉल्व हो गया तो वो दूसरे मुतासर हो जाएंगे। लोगों की ज़ाती मालूमात, तस्वीर या काम को महफूज करने की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है, बिल्कुल ट्रू है। हर किसी का को इजहार राय का और तकरीर का हक हासिल नहीं है, ये फॉल्स है। हर किसी को इजहार राय और तकरीर का हक हासिल नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि हर किसी को अपनी राय के इजहार का मुकम्मल हक हासिल है। अमन के मानी सुकून और आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं, बिल्कुल टिक है, ये दुरुस्त है। बाहमी बातचीत इख्तलाफात ख़त्म करने का हल नहीं है, क्रॉस, क्योंकि बातचीत ही इख्तलाफात ख़त्म करने का हल है। अब कॉलम अलिफ को बे से मिलाएं, बातचीत करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम। ठीक है, तालीम, खुराक और सेहत बुनियादी इंसानी हकूक। वक्त की पाबंदी करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। अमन से माशरे में अतमाद, एहतराम और सुकून की फ़िज़ा कायम होती है। ठीक है, तो ये आपका सारा बुक वर्क था, आपका सारा इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने एक्सप्लेन किए, आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया गया जिसमें आपने सारा किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा, तनव्वो के, रवादारी के, अमन के, तनाज़ा के, ठीक है, और तमदनी शऊर के, अमूमी आदाब के, और फिर हमने इसका बुक वर्क देखा, हमने इसके छोटे छोटे बॉक्सेस जो थे इन्फॉर्मेशन उनको फिलअप किया साथ साथ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो थोड़ा सा बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि इसके मेजर पॉइंट्स को लास्ट में एक दफ़ा देख लें और फिर हम अपना लेक्चर वहाँ पे वाइंड अप करेंगे। इससे पहले एक एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है, इसी यूनिट के हैं वो, जो आपने बुक में भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। लास्ट में हम इस यूनिट को, जैसे कि हमने सारा पढ़ लिया, इसकी एक्सरसाइज भी कर ली, इसके बारे में रीडिंग भी कर ली, टॉपिक्स भी एक्सप्लेन कर दिए, हम इसके एमसीक्यू उसकी वर्कशीट से एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तनव्वो और रवादारी में लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना कहलाता है रवादारी, मसावात, तनव्वो या इंसाफ। तो इसका आंसर क्या है? तनव्वो। ठीक है, अगला देखें, लोगों में आदाब व अखलाकियात का शऊर क्या कहलाता है? तमदनी शऊर। अमन, तनाज़ा या रिवाज, तो तमदनी शऊर। नरम लहजे में बात करना शामिल है हकूक में, फ़राइज़ में, तनव्वो में, आदाब में, आदाब में। सबके साथ पेश आना चाहिए इज़्ज़त व एहतराम से, बदतमीज़ी से, शाइस्तगी से, बुरे तरीके से, इज़्ज़त व एहतराम से। घर, मोहल्ले और शहर की सफाई का ख्याल रखना शामिल है अमूमी आदाब में, तमदनी शऊर में, रवादारी में, इंसानी हकूक में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तमदनी शऊर में। मुआशरे में मुख्तलिफ अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम कहलाता है रवादारी, तनव्वो, तनाज़ा या अमन, रवादारी। इख्तलाफात हल करने का बेहतरीन हल है सोच, रवादारी, बातचीत, तनव्वो, बातचीत। अमन के मानी है लड़ाई, तनव्वो, इख्तलाफ, सुकून, सुकून। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि हम इस लेसन को वाइंड अप करें। जैसे कि अभी हमने रीडिंग की है यूनिट 2 की, तनव्वो और रवादारी, फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, शॉर्ट क्वेश्चंस, मुख्तसर MCQs, कसीरुल इंतखाबी सवालात जिनको बोलते हैं वो एक्सप्लेन किए। ठीक है, आपको बुक की एक्सरसाइज एक्सप्लेन की, ये लास्ट में कुछ मेजर पॉइंट्स हैं कि जो हम पढ़ चुके हैं लेकिन आपके लिए थोड़े से, ताकि आपको जो है ये याद रहे कि हमने ये चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि तनव्वो क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, इलाके, मज़हब, ज़ुबान के लिहाज से फ़र्क होना तनव्वो कहलाता है। रवादारी, रवैयों का एहतराम, मस्बत सोच, सब्र व तहम्मुल। रवादारी की फ़िज़ा कब कायम होती है? जब आप में ये तीनों चीज़ें पैदा होती हैं, आप रवैयों का एहतराम करते हैं दूसरों की, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और सब्र और तहम्मुल करते हैं, तो रवादारी पैदा होती है।
अमन क्या कहते हैं, मिलजुल कर रहने को कहते हैं, एहतराम और इज्जत से रहने को कहते हैं और सुलह सफाई से रहने को कहते हैं कि हाँ, फिर अगर हम ये तीनों पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपके मुआशरे में या आपके घर में अमन होगा। ठीक है, तनाज़ा, किसी बात पर इख्तलाफ जो होता है वो तनाज़ा कहलाता है। और तनाज़े को हल कैसे किया जा सकता है, बातचीत से। ठीक है, बातचीत करें उसको, प्यार मोहब्बत से उसको हल कर लें। तमदनी शऊर कहते हैं सिविक सेंस को, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आदाब और अखलाकियात का शऊर जब इंसान में पैदा हो जाता है तो उसमें यह तमदनी शऊर पैदा हो जाता है और वो ये सारे जो आदाब हैं उन पर वो अमल पैरा होता है। लास्ट में हमने पढ़ा अमूमी आदाब, यानी कि रोज़मर्रा के आदाब जो आपके कॉमन एटिकेट्स होते हैं, जो कि आपने पढ़े कि उसमें दूसरों का एहतराम करना, दूसरों के रवैयों का एहतराम करना, सच बोलना, ठीक है, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना, ये सब जो है बड़ों की इज़्ज़त करना, ये आपके सारे अमूमी आदाब हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर तनव्वो और रवादारी का, टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी का अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिए गए हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से सुने और अपनी कॉपीज़ नोट्स में से इसको याद करें ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो, जब आप आएँ तो एक फ़्रेश माइंड के साथ आएँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।